अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 14 अगस्त 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे DLED में नकल करा रहे प्राचार्य समेत 12 लोग गिरफ्तार। नकल की शिकायत पर प्रशासन ने की छापेमारी, पकड़े गए लोगों से मिले 18.1 लाख रुपए, मतलब 18 लाख रुपए। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट है इस समय की। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आपको बता दें, आज DLED तृतीय सेमेस्टर का लास्ट एग्जाम होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज आपका हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर का एग्जाम होगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख सकते हैं, यूपी में खटाखट दे रहे नौकरी योगी जी, ऐसा कह रहे मुख्यमंत्री ने बांटे नियुक्ति पत्र, विपक्ष पर कसा तंज। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चों के यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं, देख सकते हैं। बच्चों ने कहा पेपर तो लीक हुआ है, कुछ लोगों के व्हाट्सएप पर 20 मिनट पहले प्रतिदिन पेपर मिल रहा था। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं लगातार पेपर लीक और पेपर में नकल की बात सामने आ रही है। तो अब आपके मन में एक ही सवाल होगा कि क्या परीक्षा आपकी दोबारा कराई जाएगी। जी हाँ, देखिए कोई भी एग्जाम में अगर पेपर लीक होता है तो सिंपल सी बात है, जिन बच्चों को पेपर मिला होगा उनको इसका फायदा हुआ होगा। ठीक है, अब लास्ट में हम कह रहे हैं, अगर आपको एक मिनट पहले भी सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन के अंतर पता चल जाए तो समय की काफी बचत हो जाएगी। चाहे मैथ का पेपर स्पेशली देख लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं पूरी खबर को। प्रतियोगी छात्रों का आयोग पर प्रदर्शन भी हुआ है। ठीक है, पहले इस अपडेट को हम लोग देखते हैं। ये खबर आती है हमारी आजमगढ़ से, रानी की सराय के राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज, ठीक है, सेटवल में DLED तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में नकल की शिकायत पर प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य पर, ठीक है, 4 शिक्षक, 2 चपरासी सहित 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्र और अन्य स्थानों से पुलिस ने 18 लाख रुपए बरामद किए। परीक्षा की शुचिता को लेकर चलाए जा रहे अभियान में क्रम में मंगलवार को, ठीक है, SP हेमराज मीना, COCT गौरव शर्मा, SOG की टीम के साथ ही सिदारी और रानी सराय पुलिस की संयुक्त टीम DLED परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रही थी। इस बीच सूचना मिली कि राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज सेठवल रानी की सराय में प्रबंधक द्वारा नकल कराया जा रहा है। टीम ने जिला विद्यालय निरीक्षक और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ छापेमारी की। इस दौरान केंद्र पर नकल करा रहे प्रधानाचार्य डॉक्टर अनु कुमार सिंह समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। टीम ने करीब 18,10,000 रुपये बरामद किए। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है DLED को लेकर। जी हाँ, जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर समझिए, बहुत से बच्चे इसका फायदा उठा रहे होंगे। तो क्या होगा, क्या उस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी कि कुछ और भी बच्चों का पेपर कैंसिल किया जाएगा? तो देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट अपडेट्स होती हैं। ठीक है, अब जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जो बच्चे सही तरीके से एग्जाम दे रहे हैं, वो बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, सोचते हैं यार बताओ, कुछ बच्चों को नकल मिल जा रही है, कुछ बच्चों को पेपर आउट वाला मिल जा रहा है और कुछ बच्चों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जो बच्चे आज मेहनत से पास हो रहे हैं, ठीक है ना, अभी सिर्फ DLED में कुछ बच्चे नकल करके पास तो हो सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में उनका क्या होगा? अभी CTET का एग्जाम आएगा, ठीक है, UPTET का एग्जाम आएगा, SuperTET का एग्जाम आएगा, हर जगह पेपर नहीं आउट होता। एक बात याद रखिएगा, शॉर्टकट आप मार सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने DLED में सेटिंग कर ली, कल को आपके CTET में भी सेटिंग हो जाती है। ठीक है, CTET का भी पेपर लीक हो चुका है पहले, देख सकते हैं आप लोग। तो क्या SuperTET की जब बात आएगी, मान लीजिए इन केस पेपर लीक नहीं करा पाए आप या आपको नहीं मिला, उसके बाद आप क्या करेंगे? 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में आपने सुना होगा, यूपी की 69,000 भर्ती। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता दिसंबर महीना था 2018, पेपर हुआ था जनवरी 2019 में। अब जिन बच्चों को, भैया उस समय भी सेटिंग चली गई, कुछ बच्चों की नहीं चली होगी, तो जो बच्चे मेहनत किए उस समय 100% वो सिलेक्शन लेके गए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बच्चों ने आवेदन नहीं किया, सीट बहुत ही ज़्यादा थी, 69,000 पद कम नहीं होते, आप जानते हैं। तो ये बात आप समझिए आज कि मेहनत हमेशा काम आने वाली है। ठीक है, तो शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, तैयारी पूरी रखिए, बाकी किस्मत रहे तो आपकी भाई किस्मत चमक जाती, वो एक अलग बात है। ठीक है, बाकी पेपर रद्द नहीं होगा, एक बात ध्यान रखना है, अगर कोई पेपर कैंसिल होगा तो कुछ लिमिटेड परीक्षा केंद्रों का हो सकता है। ठीक है, जहां पर नकल होगी उसका पेपर रद्द किया जा सकता है, ऐसा DLED में पहले भी हो चुका है, पेपर आउट के केस में भी ऐसा हुआ है। ठीक है,
कुछ पर्टिकुलर सेंटर के पेपर रद्द कर दिए जाते हैं। अगर आपको लगता है आपका कॉलेज बोल दे भैया हमारे कॉलेज का पेपर लीक हुआ है, जिस भी सेंटर पर आप पेपर दे रहे तो उसका पेपर कैंसिल करके दोबारा करा लिया जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक डीएलएड कॉलेज का पेपर मतलब रद्द होगा, तो ये संभव नहीं है, ठीक है ना? तो इसको ध्यान देना। अब देखिए आज हमारा एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद रिजल्ट का प्रोसेस क्या है, कब तक आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा? तो रिजल्ट आपका सितंबर के लास्ट तक चला जाएगा, उससे पहले तो नहीं, या उससे ज़्यादा लेट हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी की उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? स्पेशली डीएलएड 2023 बैच के लिए फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस आपको बता देंगे, रिजल्ट आपको डाउनलोड कैसे करना है। रिजल्ट डाउनलोड करते समय ठीक है आपको अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीज़ें मांगी जा सकती है। बहुत केसेस में ऐसा होता है सिर्फ रोल नंबर के सारे आप अपना रिजल्ट डाउनलोड भी कर लेते हैं, ठीक है? तो ये डेट इंपॉर्टेंट थी। एग्जाम आपका हो चुका है, अच्छा हुआ खराब हुआ कोई बात नहीं। एक बात और, दलालों से सावधान रहना है। अब बहुत बच्चे क्या करने वाले हैं आपको बता दें, ठीक है? कुछ लोग अब आपको ऐसे मिलेंगे जो जान जाएंगे कि आप फेल हो सकते हैं पास हो सकते हैं, तो आपसे कहेंगे भैया 5,000 दे दो, 10,000 रुपये दे दो एक सब्जेक्ट में पास कराने का, और आप लोग देंगे भी, क्योंकि वो पैसा आप नहीं देंगे, आपका डर देगा। तो देखे रहिएगा, बहुत से बच्चों का पैसा डूब जाता है, ठीक है? होता क्या है, मान लीजिए आप खुद ही आप अपने आप को ले लीजिए, अगर आपसे 100 बच्चे मिल जाए जो आपसे कहें सर जी हमको पास करा दीजिए, हम आपको 5,000 देने के लिए तैयार है, ठीक है? 100 में से मान के चलिएगा कम से कम 20 बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, जो अपने आप पास हो जाएंगे, क्योंकि सभी बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम पास भी हो सकते हैं फेल भी हो सकते हैं। मान लीजिए 80 बच्चे फेल भी होते हैं तो 20 बच्चों का पैसा उनको फ्री में मिल जाता है, समझ रहे हैं आप लोग, बिना मेहनत के। बाकी जो 80 बच्चे रहते हैं जिनको भाई पास नहीं हो पाए क्योंकि इन्होंने कोई मेहनत ही नहीं की, जिन्होंने 100 लोग का पैसा लिया इन्होंने कोई मेहनत नहीं की, 80 लोग में भी कहेंगे चलो ठीक है बच्चों आप लोग को 50% पैसा रिटर्न कर देते हैं, कुल मिला के उनका उधर से भी पैसा बच गया इधर से भी मिल गया, ये होता है बिजनेस। तो आप लोग बच के रहिएगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो छात्रों के साथ धोखा उन बच्चों के साथ होता है जो बच्चे मेहनत के साथ पेपर देते हैं और इन बच्चों के नंबर कम हो जाते हैं, और जो बच्चे धांधली करते हैं उनके नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रयागराज से क्या अपडेट है, नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति और रुकी हुई भर्तियां शुरू करने की मांग को लेकर युवा मंच के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों ने युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में आयोग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। उप सचिव शिवजी मालवी और नवल किशोर ने जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति होने और इस साल के अंत तक टीजीटी पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आयोजित होने की उम्मीद जताई। इस दौरान छात्रों ने टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में 25,000 रिक्त पदों को शामिल करने का मुद्दा उठाया। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बच के रहना है, एग्जाम डेट एग्जाम रिजल्ट, ठीक है? अब आप लोग यूपी टेट की तैयारी में लगेंगे या सी टेट की तैयारी में, ठीक है? हमारा 2024 का नया बैच डीएलएड का जल्द आ सकता है, एग्जाम खत्म होने दीजिए, उसके बाद उम्मीद है कि डीएलएड एडमिशन का प्रोसेस हमें देखने को मिल सकता है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, फिलहाल पेपर रद्द नहीं होगा, अगर रद्द होगा भी तो उन बच्चों का होगा जहां पर पेपर लीक हुआ या पेपर में नकल हुई, सबका नहीं होगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।